नमस्कार, संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, ये मैंने काट ली है बीटरूट और टमाटर में डाल के बनाऊंगी बीटरूट की एक प्यूरी। और ये है मेरा टैमरिंड वाटर, मैंने इमली भिगा दी थी। और हम बनाने जा रहे हैं बीटरूट की एक रसम जो हम खाएंगे चावल के साथ। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं प्यूरी बना के। तो देखिए, मैं रसम बनाने जा रही हूँ इस हांडी में। ये मैंने अमेजोन से खरीदी है और बहुत ही बढ़िया हांडी है। और इसके अंदर हमारी बढ़िया रसम होगी तैयार। तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये प्याज, मेरी प्याज ब्राउन हो जाएगी। और फिर मैं डालूंगा इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन, लहसुन से बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। और मैंने बना ली है चुकंदर की प्यूरी, ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है चुकंदर की प्यूरी। तो बस अब हम ये डालेंगे। और इसी में मैंने एक टमाटर को भी पीस दिया है। देखिए, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हींग और जाएगी इसमें राई। हींग और राई तो आपको पता ही है, साउथ इंडियन खाना बिना उसके नहीं बनता। और मैं डाल रही हूँ ये कड़ी पत्ता। ये हांडी में बहुत ही बढ़िया बनेगा ये सारा सामान। और इसके अंदर अब मैं डालूंगी ये मेरा बीटरूट। बढ़िया रसम बनके हो गई तैयार। और अब मैं करूंगी इसकी प्लेटिंग। तो ये देखिए, गर्मा गर्म चावल, हम चावल के साथ खाएंगे रसम। ये बहुत ही बढ़िया साउथ इंडियन डिश है। तो ये मेरे हो गए चावल तैयार। और अब मैं रसम की कर दूंगी प्लेटिंग। वाओ, बहुत ही बढ़िया, एकदम खट्टी, लाजवाब और फटाफट बनने वाली। ये देखिए, बढ़िया तैयार हो गई मेरी रसम। और इसकी मैं गार्निशिंग कर दूंगी ये कड़ी पत्ते के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब my handi rasam which I have made specially for you, and hope you will love this south indian dish, easy and very very tasty. It's just yummy.